दिल्ली जल रही है और इस वक्त पटना में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं जिस आयोजन में खड़ा हूँ, ये सीपीआई एमएल माले का आयोजन है, विधानसभा मार्च, जो विरोध कर रही है केंद्र सरकार की कुछ नीतियों का, बिहार सरकार की कुछ नीतियों का, और साथ ही साथ जो नागरिकता कानून संशोधन किया गया और उसके बाद उसको पास कराया गया उसका विरोध हो रहा है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी खुद हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे भीड़, ये कितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है यहाँ पर, और ये गर्दनी बाग का इलाका है जो धरना प्रदर्शन के लिए आयोजित किया जाता है, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं नए कानून को लेके, नए काले कानून को लेके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो ये भीड़ है जो हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए रानी लक्ष्मीबाई और साजी शहादत चेन्नम्मा और हजरत महल भाकपा माले की तरफ से इन लोगों ने इंसाफ मंच बनाया है और उसके जरिए विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। आपको तस्वीरों में हम दिखाते रहेंगे कि किस तरह से भीड़ जो है यहाँ पर अपने नेताओं का संबोधन भी सुन रही है और संबोधन सुनने के साथ साथ उनका हौसला अफजाई कर रही है और विधानसभा कुछ करने के लिए तैयार है। तो हम सीधे दीपांकर जी की तरफ अब हम रुख करेंगे और सीधे उनसे हम बातचीत करेंगे कि दीपांकर जी हमारे साथ है। दीपांकर जी, सबसे पहला सवाल आपका स्वागत करते हुए, कि ये विरोध प्रदर्शन का कारण सबसे पहले देखिए, आज तो विधानसभा के अंदर और बाहर एक ही आवाज है, नीतीश कुमार होश में आओ, एनपीआर पर रोक लगाओ। बहुत सीधी मांग है, विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं हमारे विधायक साथियों ने, और ये नीतीश जी गोल गोल बात कर रहे हैं, वो 2010 के एनपीआर की बात कर रहे हैं। हमें किसी तरह का कोई एनपीआर मंजूर नहीं है, क्योंकि एनपीआर में सरकार के पास, प्रशासन के पास ये छूट है कि किसी को भी आप मनचाहे तरीके से इस देश में डाउटफुल सिटीजन करार दें, और जिनको भी डाउटफुल चिन्हित किया जाएगा उनके सारे अधिकार छीने जाएंगे, उनको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। इसी तरह हम मोदी जी से भी साफ साफ कहना चाहते हैं, वो अभी कह रहे हैं कि एनआरसी पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसका मतलब एनआरसी की योजना है, एनआरसी का इरादा है, वो समय देख करके तय करेंगे। और हम कह रहे हैं कि आसाम के बाद पूरा हिंदुस्तान जग गया है, एनआरसी और एनपीआर आम लोगों की नागरिकता छीनने की जो साजिश है ये हमें कतई मंजूर नहीं है, और सीएए जो देश को बांटने वाला कानून है, संविधान पर उसकी हत्या करने वाला कानून है, वो कानून भी हमें मंजूर नहीं है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग हैं, और जब तक ये मांग नहीं पूरी होती ये आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। विधानसभा से प्रस्ताव अगर पारित न भी हो तब भी हम कहेंगे कि गांव गांव में ग्राम सभा से लोग इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, हर गांव में लोग इस पर संकल्प लेंगे। कुछ देर पहले विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने जो संबोधित किया और जो सवालों का जवाब दिया, उसमें कहा भी कि एनआरसी किसी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होगी, और एनपीए को लेकर भी जो संशोधन करने की बात आ रही है कि उसमें जो संशोधन होगा उसको भी केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है कि वो उस तरीके से नहीं बल्कि पुराने फॉर्मेट में, जो 10 साल पहले जो पुराने 2010 वाले एनपीआर में भी जो सबसे बड़ी गड़बड़ी थी कि इसमें सरकार के पास, प्रशासन के पास किसी भी आम नागरिक को डाउटफुल करार देने की छूट है, और ये किसी भी नागरिक के लिए बहुत खतरनाक बात है कि अगर हम सरकार प्रशासन अगर हमसे किसी तरह से, आप जैसे देखते हैं कि जो झूठे मुकदमे थोपे जाते हैं, अगर हमारी नागरिकता को वो संदेहास्पद करार दे दें तो कल हमें साबित करना पड़ेगा कि हम देश के नागरिक हैं। तो ये जो देश पे चला है, कानून कहता है, इंसाफ की ये तकाजा है कि जब तक कोई आरोप अगर हमारे ऊपर लगता है, आरोप जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक हम निर्दोष हैं, और ये जो तरीका चला है कि सरकार आरोप लगा देगी, किसी को डाउटफुल करार देगी और नागरिक को साबित करना पड़ेगा कि नागरिक है, मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ का बिल्कुल एक सूच की हत्या है, और इसीलिए नीतीश जी से भी हम लोगों ने कहा कि एनपीआर में ये जो सबसे खतरनाक प्रावधान है इसको सबसे पहले हटाइए, वो चाहे 2010 के एनपीआर की बात करें या 2020 के एनपीआर की बात करें। मोदी जी कह रहे हैं कि एनसीआर लागू नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, लेकिन वो के साथ साथ ये कह रहे हैं कि देखिए उसको ठीक से सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसका मतलब एनआरसी की योजना है, और हम सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में संसद में 2 जून महीने में राष्ट्रपति ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात थी, और 2019 के चुनाव से पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे थे। आज इस आंदोलन के चलते, आंदोलन से डर करके वो झूठ का सहारा ले रहे हैं कि एनआरसी पर कोई बात नहीं हुई है, ये झूठ है।
और इसीलिए हम लोगों को कहेंगे कि इस झूठ के झांसे में मत आइए, इस झूठ को समझिए, पकड़िए और असम में जो हुआ है उस पर नजर रखिए। असम में 3.5 करोड़ जहां आबादी है वहां 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए और वो एनआरसी अगर देश के पैमाने पर लागू होती है तो कम से कम 5-7 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। आम गरीब, आम मजदूर, इस देश के आम नागरिक जिनके पास कागजात नहीं है वो बाहर हो जाएंगे और इसीलिए ये देश में आम लोगों की नागरिकता को छीनने की साजिश है और इसको हर हालत में हमें रोकना है। सर एक सवाल आपसे और करेंगे कि इस वक्त जैसे उत्तर भारत में ठंड है, मौसम ने करवट ली है, यहाँ भी ठंड है लेकिन दिल्ली जल रही है इस वक्त, शाहीन बाग के बाद अब जाफराबाद और मौजपुर, मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, दिल्ली पूरी तरह से आग की लपेट में। कैसे ये भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, आपको पता है कि कपिल मिश्रा ने उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कि अब 3 दिन के अंदर खाली करवाइए और वो पूरे आज जो आप देख रहे हैं दिल्ली में जो हिंसा है, दिल्ली में जो आग है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा संचालित है और इसको दिल्ली पुलिस का भी पूरा एक तरह से प्रश्रय मिला हुआ है। तो हम समझते हैं कि दिल्ली में 1984 या 2002 के गुजरात को दोहराने की जो साजिश हो रही है, शांतिपूर्ण आंदोलन को एक तरह से पूरे लाठी गोली के बल पर, हिंसा के बल पर दबाने की कोशिश हो रही है, हम इसको कतई सफल नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव में करारी हार मिली, करारी शिकस्त मिली, उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरीके से खून खराबा करके, दंगा फसाद करके, लोगों की जान लेकर के उसका बदला चुकाना चाहते हैं। ये देश में लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है और इसीलिए हम लोग आज यहां से ये प्रस्ताव भी ले रहे हैं कि दिल्ली में शांति बहाल करो, दिल्ली में लोगों की जान से खेलना बंद करो और ये जो पूरे दंगा फसाद का सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, ये देश के किसी भी कोने में हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक आखिरी सवाल और, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा, इस पर आपकी क्या? डोनाल्ड ट्रंप का भारत, डोनाल्ड ट्रंप, देखिए ट्रंप और नरेंद्र मोदी, कहिए तो ब्राजील के बोल्सोनारो और ब्रिटेन में इस समय बोरिस जॉनसन, ये दुनिया में कुछ जाने पहचाने ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपने देश में लोकतंत्र के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों में एक बहुत गहरी दोस्ती बन रही है। तो हम तो कहेंगे कि ये मोदी जी और ट्रंप दोनों की आपसी दोस्ती है। मोदी जी गए थे वह हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप के लिए प्रचार करने और ट्रंप यहाँ आए हैं मोदी जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन सवाल है कि इसमें हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों देश के जो आम लोग हैं उनके इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, वो खतरे में है। और आज अमेरिका हमारे व्यापार के मामले में, हमारे यहाँ से जो H-1B वीज़ा के तहत जो लोग जाते थे अमेरिका में नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, उस वीज़ा पर रोक लग रही है। तो जहाँ हिंदुस्तान के पूरा अधिकार, हिंदुस्तान का अपना राष्ट्र ही जहाँ खतरे में है अमेरिका के हाथों, वहाँ हम समझते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरीके से इस देश के अंदर सम्मानित करने की कोशिश करना, उसके लिए भी इतना पैसा खर्च करना, ये सब कुछ हमारे देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये दीपांकर भट्टाचार्य थे और आपको एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि किस कदर लोग यहाँ पारंपरिक हथियारों के साथ भी लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं NPR, NRC और तमाम नई जो नीतियां हैं नागरिकता कानून के संशोधन को लेकर, उसका विरोध कर रहे हैं।